पीएचई डेली वेजेस का जो है बीसी रोड में धरना प्रदर्शन जारी है। पिछले 582 दिन से ये लोग जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं ये। लगातार 582 दिन से अस प्रदर्शन पर हाँ। मरेयाल जी प्रशासन अजे भी अपनी अखों के कन खोलिए राजी नहीं। ये मजदूर वर्ग जरा लगभग 30 साल इस डिपार्टमेंट की अपनी सेवा देंदे आ, जिस मजदूर ने कोविड के दौरान भी अपनी जान हथेली पर रखी है, इस सिस्टम को चलाने सुचारू रूप से सप्लाई चलाई, मगर प्रशासन अजे तोड़ी अपनी अखा बंद करिए रखे दा। साढ़े लोगों सिर्फ एक मोमेंट्स देखिए तो सानू खुश किया गया कि तुम कोविड वारियर हो, जिन्हें लोगों कोविड से काम किया, मगर सानू मोमेंट के कन्ने कन्ने फाइनैंशली भी जरूरत है, जो अपना घर परिवार अपने बच्चे का एजुकेशन खाने खाने की व्यवस्था करी सकते। मगर प्रशासन सिर्फ बेवकूफ बनाने पर तुले दा। हूँ नवें एससी साहब आए जो सीएससी डुल्लू साहब करिए, तो सानू एक उम्मीद है शायद जम्मू के होने नाता है साढ़े जम्मू वाले की तकलीफ की समझेंगे कि ये लोग जो 30 साल का सफर करते आवते हैं, इंदे हक च कोई फैसला दे नहीं दे। बड़ी जल्दी फ्रेंड कल परसों तुम्हारी एक मीटिंग अरेंज करिए, एक नए कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट सांबा से भी यहाँ पे जो है वो डेली वेजर पीएचई के जो हैं वो भी आज यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं पीएचई यूनाइटेड फ्रंट का मेंबर हूँ और हम सांबा से आए हुए हैं। आज 582 दिन हो गया हमें हड़ताल पर बैठे हुए। ये अंधी गूंगी बहरी सरकार जो सोई हुई है, इसको जगाने के लिए हमने कौन कौन सा प्रयास नहीं किया, सभी काम हथकंडे अपने अपना लिए, पर सरकार सोई हुई है। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी आप हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए। जैसे कि आपने आज कल का जो फैसला लिया है टोल प्लाजा का, उसका हम वेलकम करते हैं। जम्मू वासियों को एक राहत दी है इन्होंने, हम ऐसे ही हमें भी एक राहत दीजिए, वरना अब हम जो आगे जो हमारी हड़ताल आने के लिए जा रही है, एक दिन का प्रोग्राम होगा या दो दिन का होगा, लगातार होगा, और हम सड़कें जाम कर देंगे। और ऐसा प्रोग्राम आने के लिए जा रहा है जिसकी जो सरकार को जिम्मेवारी होगी, एलजी सरकार की जिम्मेवारी होगी। हम सरकार को स्पष्ट बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए, वरना हम कपड़े उतार कर ऐसा नंगा प्रदर्शन करेंगे कि सरकार देखती रह जाएगी। और बात करते हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मैं परशोत्तम चौधरी, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट पारसपुरा से आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 582 दिन हो गए हैं, सरकार टस से मस नहीं हो रही, और जे एलजी प्रशासन इतना ही खराब उतरा है, हम एलजी प्रशासन से बड़ा ही मतलब अच्छे नहीं हैं। मैं 2006 से लगा हुआ हूँ, मेरा प्लाट भी लिया और मुझे फ्री का वहाँ पे चौकीदार बना दिया, ना कोई टाइम की वेजेस है। आज उस प्लाट की कीमत मेरी 1 करोड़ रुपया है, कमर्शियल प्लाट था। 2006 में मेरे पिताजी ने मेहनत मजदूरी करके लिया, लेकिन आज प्लाट भी गया और ना वेजेज है, ना लोहड़ी पे, ना किसी त्यौहार पे। आपने इधर कई हमारे कार्यक्रम भी कवर किए होंगे, कभी थाली भी बजाई, सारे हमने सारे हथकंडे, लेकिन अब लास्ट एक प्रोग्राम जो हम करने जा रहे हैं, हम तमाम डेली वेजर से, चाहे वो पीएचई के हैं चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट के हैं, सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अब टाइम आ गया है सड़कों पर उतरने का। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।